लिख मिलता चाहो तो खिड़की के कागज पे लकड़ी की कलम से हो सकती है चित्रकारी। श्रद्धा हो भाव हो सीखने का चाव हो, श्रद्धा हो भाव हो सीखने का चाव हो। गोबर का कंडा हो सर पर सर कंडा हो, माचिस की तीली या लकड़ी का डंडा हो, आटा हो चून हो धागा हो ऊन हो, तो सीखने सिखाने में आप उसकी मदद से हो जाए पूरी तैयारी। श्रद्धा हो भाव हो सीखने का चाव हो, श्रद्धा हो भाव हो सीखने का चाव हो। लकड़ी की गिट्टी हो या गीली मिट्टी हो, रद्दी अखबार मिले या बासी चिट्ठी हो, सुतली हो सूत हो इच्छा मजबूत हो, तो फालतू की चीजों में थोड़ी सी लगन से सामग्री बन जाए न्यारी। श्रद्धा हो भाव हो सीखने का चाव हो, श्रद्धा हो भाव हो सीखने का चाव हो। गप्पी हो गत्ता हो चिथड़ा हो लत्ता हो, कीकर की टहनी या पीपल का पत्ता हो, लुगदी हो लोंद हो लेई हो गोंद हो, तो अपनी कठपुतली भी अपने ही जतन से बन सकती है प्राण प्यारी। श्रद्धा हो भाव हो सीखने का चाव हो, श्रद्धा हो भाव हो सीखने का चाव हो। अकरम बनवारी हो चाची हर प्यारी हो, हुनर मिले सबके तो काम चमत्कारी हो, आपस में मेल हो शिक्षा खेल हो, तो बातों ही बातों में अपने ही सृजन से सब सीखे नर हो या नारी। श्रद्धा हो भाव हो सीखने का चाव हो, श्रद्धा हो भाव हो सीखने का चाव हो, तो धरती के कागज पे लकड़ी की कलम से हो सकती है चित्रकारी। श्रद्धा हो भाव हो सीखने का चाव हो, श्रद्धा हो भाव हो सीखने का चाव हो। अरे इसके गुटके के ऐसे बन जाएंगे, इसके लिए तो आरी चाहिए, रंदा चाहिए, वसूला चाहिए। अरे ला मुझे दे, बड़े ही चाचा सा भी बनवा के लाता हूँ, बताओ क्या करना है। चौकोर चौकोर गुटके बन जाएं बराबर बराबर के। बन जाएंगे। चंदर भैया मास्टर तो तुम ही हो, पर एक बात मैं भी कहूँ। कहो। हमारे गांव में ना बड़ई है, जुलाए है, चमड़े का काम करने वाले है, राजमिस्त्री है, इनमें से हर एक को अपना सेंटर दिखा दो, बनवारी अपने दो चार गाने सुना दे, ड्रामे दिखा दे, फिर देखो। अरे इससे मदद तो मिलेगी, खुशी खुशी पढ़ने आएंगे सब अलग। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का यही तो सार है घनश्याम, जो तुम कह रहे हो, पूरे गांव को इस कार्यक्रम में शरीक करना है, पर बहुत से लोगों से मेरी मुलाकात नहीं है ना। अरे तो चलना मेरे साथ। अरे ऐसी लकड़ी और है क्या, गुटके बनवाने तो थोड़े ज्यादा बनवा लेंगे। कल मैं माया के घर गई, उसने तुझे पूरा सेवैया दीवार पर लिखा हुआ था। पहले तो खड़िया से लिखा, फिर संतोष विभूति ने मिलकर अक्षरों पर गीली मिट्टी चढ़ा दी, पूरी दीवार पर सवैया दमकने लगा। कहने लगी, पूरे घर को सिखा दूंगी ये सवैया। लो चाची भी आ गई। चाची सीधी हाथ से चली आ रही है क्या? हाथ से नहीं, यहीं पे हाथ खोलूंगी, देख ले जाओ। अरे तसल्ली रख, खोल तो रही है चाची। चाची खोलना, तेरे अंदर भी कौन सी तसल्ली है, खोलना। लो देखो, खेल खिलौने होंगे और क्या। हाय राम, कितनी प्यारी बनाई है, नजर मत लगाइए। चाची तुम शहर चली जाओ तो खड़े खड़े बिक जाए तुम्हारा सामान। ये बात ठीक है चाची, अगर तुम सामान बनाना सिखा दो तो सचमुच शहर ले जा सकते हैं और आमदनी का जरिया बड़ा अच्छा हो जाएगा। लो बोलो, सिखाने में मोए कौन सी आफत आ रही है, सारी चीज तो रद्दी सामान से बनाई है, पर एक चीज मैंने अपनी अकल से बनाई। अच्छा वो क्या है? छप्पर बांधने के ताई तुम्हारे चाचा तार का एक गुच्छा लाया। अच्छा। तो बचे तार पर मेरी नजर पड़ी। हाँ। मैंने उसके छोटे बड़े कई तरीके के टुकड़े काटे। अच्छा। और वहां मुझे लपेट दी। अब तुम जमीला इसके ये लो, छोटे छोटे अक्षर बना।
लाओ। देखो जरा बनाओ, सब बनाओ। वाह चाची, तू तो बहुत गुण जाने है। ये तो कमाल कर दिया चाची तुमने, पर तुम्हारे अंदर ये बात आई कैसे? आई कैसे? हाँ। बताओ। ये देखो, ये देखो, ये अच्छा है। पिछली हाट में खरीदी मैंने। मैंने सोची जब तार से साइकिल बन सके तो अच्छा क्यों ना बन सके। चाची, साइकिल का तार तो ऐसी है, तुमने तो अपनी तार पे ऊन भी चढ़ा दी। अरे मैं हूँ ना, दो हाथ आगे। चाची, चाची, अजय का है चाची वाला चा ना, चा से चाची। ओ छोरा, बात सुन। तीन बार लल्लुए भेज चुका हूँ, हाथी ना आवे। हमारे भूसे की बुर्जी बांधनी है। टाइम ना है लाला जी, कई और तो बंधवा लो। टाइम ना है, और केंद्र पे जाने का टाइम है तो पे। हाँ, तुम्हारी बेकार ना प्रौढ़ शिक्षा केंद्र पे जाना अच्छा। अरे घंसा, बात तो सुन। मेरा नाम घंसा नहीं घनश्याम है, फिर कितनी घंसा ना कहियो कह दइए। हाँ नहीं तो। अरे परले है बेवारी है का, ये घंसा से घनश्याम हो गया है। अरे वारे सेंटर वाह, किसकी वाह में है आह, दिल से निकली हुई कराह, लेकिन हमको क्या परवाह, हम तो बढ़ते जाएंगे, हम तो बढ़ते जाएंगे। जल हो कितना ही अथाह, हम खुद ही अपने मल्लाह, अपना पर्वत अपनी चाह, हम तो चढ़ते जाएंगे, हम तो चढ़ते जाएंगे। किसने रोका समय प्रवाह, बीते दिन हफ्ते और माह, सब में है कितना उत्साह, हम तो पढ़ते जाएंगे, हम तो बढ़ते जाएंगे, हम तो चढ़ते जाएंगे, हम तो बढ़ते जाएंगे। गिनती भी सिखाई है साथ साथ? हाँ, मैंने तो शुरू से सिखाई है। वैसे 10 तक तो सबको पहले से ही मालूम है। 10 के बाद 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये भी ज्यादातर लोगों को मालूम है। हमारे यहाँ तो कईयों को 50 से ऊपर मालूम नहीं। कहना होगा 22 तो कहेंगे 20 पर दो, 18 को 2 कम 20 और 32 को 30 पर दो। इसीलिए तो कहता हूँ दोस्तों, गिनती और गणित पर भी जोर दो। क्यों भाग्यवान? ये कोई कायदा नहीं है, पहले अक्षर ज्ञान होने दो, अभी गिनती सीखने का कोई फायदा नहीं है। गिनती सीखने के, हाँ जी गिनती सीखने के इतने फायदे हैं जिनकी गिनती नहीं, ये तो सुनती नहीं। गिनती सीखने के, हाँ जी गिनती सीखने के इतने फायदे हैं जिनकी गिनती नहीं, ये तो सुनती नहीं। गिनती ना आए तो यार, गिनती है उनका हथियार, गिनती में शोषण की मार, 100 का कर दे 1000, निर्धन लुटता सरे बाजार, लेकिन गिनती आ जाती एक बार, कुर्की होती ना दुश्वार, रमिया ऐसे बारंबार सिर झुनती नहीं, ये तो सुनती नहीं। गिनती सीखने के, हाँ जी गिनती सीखने के इतने फायदे हैं जिनकी गिनती नहीं, ये तो सुनती नहीं। जैसे घोड़ के ऊपर खाज, चढ़ता ब्याज के ऊपर ब्याज, लाला करता नहीं लिहाज, गिरती है गरीब पर गाज, सस्ता देना पड़े अनाज, लेकिन गिनती आती होती आज, तो फिर नहीं झपटते बाज, जनता पट्टी में महाराज, ऐसे भुनती नहीं, ये तो सुनती नहीं। गिनती सीखने के, हाँ जी गिनती सीखने के इतने फायदे हैं जिनकी गिनती नहीं, ये तो सुनती नहीं। मान गई जी मान गई, बात तुम्हारी जान गई। अम्मा देख, आज तो कितनी जल्दी आ गई ना। हाँ बेटी, तेने एक दफा भी यो ना कही कि अम्मा तू मेरे सेंटर आई हो। तू आएगी अम्मा? हाँ बेटी।
अम्मा। बेटी गांव में तेरी बड़ी तारीफ है रही है। मैं बहुत खुशी हूँ अम्मा, बहुत खुशी। हाँ बनवारी सुनाओ वो भरतवे। सुनाता हूँ। गिनती ना जानने से जिंदगी में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये मैंने खुद लिखी है। अच्छा लो सुनो। भाव बाजार का, दाम औजार का, काश्तकारों को कुछ भी पता ही नहीं। काम हमने किया, दाम उसने दिया, क्या लिखा क्या गिना कुछ पता ही नहीं। क्या लिखा कर अंगूठा लगाया गया, क्या मिलाया कभी कुछ पता ही नहीं। गिनती सी की नहीं, सदा चुसते रहे और बस कह दिया कुछ पता ही नहीं। गिनती सी की नहीं, सदा चुसते रहे। भाई क्या बात, भाई और कह भी कह सकते हैं, जब गिनती आती ना हो, जोड़ बाकी गुणा भाग आते ही ना हो। कल एक काम करना सब लोग, अपने गांव में देखना कि कहां कहां गिनती लिखी हुई है। सब देखना भाई, सब देखना भाई, सब देखना। ठीक है के आई हो देखने कि तुम्हारी बेटी कैसा पढ़ा रही है, या रोजीना आओगी? देखूंगी अभी कैसे बता दूं, आऊंगी कि अच्छा तो सोच के फैसला करोगी। चल रही सरला तू पढ़ा, ये कतर बेहद छोड़। लो अपने पढ़ाने वाले से कोई ऐसे रूप से बोलता है क्या? अब तो तेरी माँ आ गई है, तुझे पीटेगी और कहेगी पढ़ा जल्दी से। अच्छा बाबा लो हमने ये गिनती काटी है, आज की पढ़ाई इन्हीं के बारे में। शुरू में बताया था ना कि 200 के आगे बिंदी बढ़ाई और कर लिए 2000। लेकिन पहले एक दोहा सुनो। कहत सबय बैंदी दिए, आंख 10 गुनो होत, तिय लिलार बैंदी दिए, अनगिन बढ़त उदोत। आई बात समझ में? कुछ कुछ तो समझ में आई कि बिंदी दिए से आंख 10 गुना हो जाते, पर अगली बात क्या है तेली की लार में? तेली की लार नहीं भाभी, तिय लिलार मतलब औरत का माथा। पहली बात तो ठीक बताई कि किसी भी अंक के आगे बिंदी लगा दो तो अंक 10 गुना हो जाता है, लेकिन जब औरत के माथे पर बिंदी लगा दो तो उसका उजाला हजारों गुना हो जाता है, अनगिनत हो जाता है। ये दोहा तो जरूर किसी मर्द ने बनाया होगा। असली बात पकड़ी है शर्फी ने, बिल्कुल ठीक है, ये दोहा किसी मर्द ने ही बनाया है। मर्द लोग तो चाहते हैं कि औरत हमेशा सुंदर दिखती रहे। माथे की औरत की बिंदी की बात तो मरद ने सिखा दी, लेकिन गिनती की बिंदी ना सिखाई उसे, और हम डूबे रहे कर्ज में। इसीलिए गिनती सीखनी है, गुणा भाग सीखना है, जोड़ घटाना सीखना है। मेरे पास कैलेंडर से कटी हुई गिनती है, मैं इन्हें फैला देती हूँ, अब इन्हें क्रम से लगाना है। लेकिन पहले 10 तक ढूंढो। जो सवैया हमने सीखा है उसमें कितने लोग निरक्षर थे? मैं। छह लोग। हाँ तो भाभी 6 ढूंढ कर दिखाओ पहले। ये कैसी गिनती है रे, ऐसी तो हमने ना पढ़ी। आजकल पूरी दुनिया में यही गिनतियाँ चले, अब हमें इन्हीं को पहचानना है। ये रहा 6, दिखा मुझे। ये देखो, ये 6 को अगर उल्टा कर दो तो ये 9 हो जाए। हाँ ठीक कह रही है। हाँ चाची रामवती एकदम सही कह रही है। जैसे अक्षरों की दुनिया में 45 का जादू होता है,
वैसे ही अंकों की दुनिया में 9 का जादू है। एक से लेके 9 तक की गिनती और उसके बाद 0 या अंडा कह लो या कुछ भर कह लो। बिल्कुल ठीक। तो 1 से 9 तक की गिनती तो आपको आती है, पर लिखने में परेशानी ना। इनके लिखने का भी वही तरीका है, बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे। अब मैं तुमको ये लिख के बताता हूँ, ठीक है? हाँ जी बताओ। 1 है कुछ कुछ सीधा सा डंडा, ठीक है? और 2 है हंसिया जैसा, 3 बनाना आसान है। एक पहले बनाओ उल्टा फावड़ा और नीचे बना दो एक झूला, बन गया थी। और 4 बनाना तो और भी आसान, पहले बनाओ एक जोड़ का निशान, ठीक है? और अब इसको मिला दो, ये बन गया 4। और 5 ऐसे, 6 ऐसे, और 7 बनाना भी आसान है। कैसे? इसमें भी उल्टा फावड़ा बनाना पड़ता है, पर 3 से थोड़ा बड़ा। और 8 बनाने के लिए पहले बनाओ एक बड़ा गोला और उसके ऊपर बना दो एक छोटा गोला, ये बन गया 8 गोले के ऊपर गोला। और 9 है कुछ कुछ बिटिया की चुटिया जैसा, और ये बन गया 0 अंडे जैसा, है ना? अब ये 0 भाई जिसमें लगा दो वो बन जाए हीरो। बिल्कुल ठीक भाई, उस अंक की कदर बढ़ जाती है। 1 के आगे 0 लगा दिया तो क्या बन गया? 10। बिल्कुल सही। और 10 के बाद क्या आएगा? 11। बिल्कुल सही। ये जो 11 में रह लगा है ना वो 18 तक चलेगा। उसके बाद क्या आएगा? 19। बिल्कुल ठीक 19। 19 के पीछे है ईस, क्योंकि आगे आने वाला है 20। तो जो ये 9 वाली संख्या है ना वो अपनी अगली दहाई का दरबान है। जैसे नहीं समझे? नहीं आई। 20 से पहले 19, 30 से पहले 29, 40 से पहले 39, 50 से पहले 49। तो ये 9 दहाई का दरबान है, है भी बिल्कुल दरबान जैसा, झुका हुआ सा। अरे लाली स्कूल से आ रही है? हाँ। दिखाइयो तख्ती पे क्या लिख रखे हैं तने? गिनती? हाँ 10 तक तो मेरे पे भी आवे। वो मेरे यहाँ गड़बड़ हो गया, देखे ये 17 है, 16, हाँ ये 19, 17। 99 का फिर इकाई दहाई, इकाई दहाई, इसको समझे तो सब कुछ है सुखदाई, इसको समझे तो सब कुछ है सुखदाई। अरे
अच्छा शर्फी 88 बना कर दिखाओ। लो भला 88 में कौन सी बात है, ये देखो चूड़ी, इसके ऊपर छोटी चूड़ी, हाँ फिर चूड़ी और फिर इसके ऊपर छोटी चूड़ी, ये हो नहीं हाँ घड़े के ऊपर हंडिया और फिर घड़े के ऊपर हंडिया। घड़े के ऊपर हंडिया थी, हंडिया के ऊपर चिड़िया थी, बताओ तो चिड़िया क्या सोच रही थी? हम कैसे बताएं, हम तो सिर्फ आदमियों की भाषा जानते हैं। हाँ जी, पशु पक्षियों की, जीव जंतुओं की भाषा तो आप ही जाने, आप तो अंतर्यामी है ना। अच्छा चलो, इस पहेली का उत्तर मैं ही बता देती हूँ। चिड़िया सोच रही थी कि जब मैं पीतल के कलसे का पानी पीती हूँ तो अच्छा नहीं लगता, पर जब मैं मिट्टी के घड़े का पानी पीती हूँ तो मीठा भी लगता है और शीतल भी। वो इसलिए भाग्यवान कि पीतल का मटका पानी को सतह से फौरन लौटा देता है, लेकिन मिट्टी का मटका पानी को अपने दिल में सोख लेता है फिर लौटाता है, इसीलिए ठंडा और मीठा होता है, तुम्हारी तरह। वाह, तुम भी इसी तरह हर बात को अपने दिल की गहराइयों में सोख लेते हो, फिर उसे ठंडा और मीठा बनाकर अपने पढ़ने वालों को बताते हो। तारीफ करना तो कोई आप दोनों से सीखे। आप दोनों हमेशा हमारे साथ रहेंगे ना? बिल्कुल तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन कभी तुम्हारे सुपरवाइजर बनके और कभी कार्यक्रम अधिकारी बनके। आओ भाई, जो हमें आता है वो तुम्हें बताएंगे और जो नहीं आता है वो तुमसे सीखेंगे, तुम्हारे अनुभवों से। अनुभव का देना हो, अनुभव का लेना हो, शिक्षा में आपस का ये लेना देना हो, स्वार्थ कुछ अल्प हो, पक्का संकल्प हो, तो सिर्फ ढाई आखर की हल्की सी चुहन से तर जाए शिक्षा हमारी। श्रद्धा हो, भाव हो, सीखने का चाव, तो धरती के कागज पे लकड़ी की कलम से हो सकती है चित्रकारी। श्रद्धा हो, भाव हो, सीखने का चाव, श्रद्धा हो, भाव हो, सीखने का चाव। जिन ढाई आखरों के छुअन की बात की गई है वो काहे के?